अपनी आग का उपयोग अपने भीतर के घर को चलाने के लिए किया, जलाने के लिए नहीं किया। कैसे बोले? जैसे क्रोध में बोले। क्या कहा? अब जानी को हुमा के बाते मानी और धीर जीवन नहीं मेरा। अब कोई अपने नेता का अभिमान मत करना, क्योंकि तो जान लिया है कि प्रतिभा है वीरों से सुन्न हो गई। और ऐसा कहकर देखा किसकी ओर? लक्ष्मण जी की ओर। किया सा गुरा दिया और दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो हमारे प्रण को सुनकर राजा महाराजा आए। किसी ने राजा जनक जी से पूछा, महाराज अपने जीवन में इतनी बड़ी लकड़ी तोड़े हो? राजा जनक जी ने कहा, बिना बोले फिर इतना बड़ा प्रण लेने की क्या आवश्यकता? राजा जनक जी ने इतना बड़ा प्रण क्यों लिया? क्या कारण है? क्या वजह है? क्योंकि उसमें कारण मिले। एक बार राजा जनक जी ने बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा बोले वरदान मांगो। राजा जनक जी ने कहा बोले प्रभु उन परमात्मा के दर्शन करा दो जो आपके सदा आप जिनका दान करते रहते हैं, आपके हृदय में जिनका निवास है। भगवान शंकर ने वह धन दिया और कहा रोज की पूजन करना, घर बैठे आकर पूर्ण गुण परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे। तो जिस कमरे में धनुष रखा था, एक कमरे में चार कोने होते, जिस कोने में धनुष रखा था उस कोने को कुछ नहीं किया जाता था क्योंकि धनुष कठोर था। बाकी तीन कोने गौ के गोबर से लिपे जाते थे। अब एक दिन सीता जी आई। सीता जी ने चारों कोनों को गौ के गोबर से लिप दिया, धनुष को झटक के रख दिया। राजा जनक जी आए, कहा बोले आज कौन आया था? सेवा गणों ने कहा बोले महाराज आज सीता जी आई हुई थी। राजा जनक जी को विश्वास नहीं हुआ। कहा बोले पुत्री बुलाया, बोले धनुष उठाओ। सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। तो यहीं से राजा जनक जी ने प्रण ले लिया कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो अच्छा ऐसा भी प्रण ले सकते थे कि जो कोई धनुष उठाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, या जो कोई धनुष को चढ़ाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन धनुष तोड़ने का ही प्रण क्यों लिया? क्या कारण है? क्या वजह है? क्योंकि उसमें कारण है, वजह है। मेरे घर में प्रेमी मेरी माता बहन है। आज भी आप देखना जब माता पिता कोई बेटी का विवाह करते हैं तो वर कैसा ढूंढते हैं? जो बल में भी बड़ा हो, जो उम्र में भी बड़ा हो और जो विवेक में भी बड़ा हो। तो पता चल रहा है पत्नी है ऐसी और पति देवता है ऐसी। मामला है किसी दिन झगड़ा हो गया, पत्नी ने जो धक्का दिया पति देवताओं का ओम नमः शिवाय। राजा जनक जी ने बड़े विवेक पूर्वक प्रण लिया और ये तो समय समय की बात है। बीच में हमारे देश में ऐसा समय आ गया था कि कन्या जो थी ज्यादा हो गई थी, वर कम हो गए थे। तो लड़के वालों ने दहेज मांगना चालू कर दिया। गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और बीच में तो लड़का लड़की से इंटरव्यू लेने लगा। जैसे जैसे लड़का या चेयर में बैठा ये चाबी ले गई। अब लड़की जो थी ट्रेन में पानी लेकर आई। तो लड़के ने प्रश्न पूछना चालू किया, आप अच्छी पढ़ी लिखी हो? उसने कहा बोले हाँ जी। बोले घर का काम काज करना आता है? लड़की ने कहा बोले हाँ जी वो भी आता है। लड़के ने कहा बोले सिलाई बुनाई करनी आती है? लड़की ने कहा बोले हाँ जी वो भी आता है। लड़के ने कहा बोले गाना आता है? लड़की ने कहा बोले इसे विवाह कराना कि गाना गवाना? तो लड़की ने कहा बोले हाँ जी वो भी आता है। तो लड़के ने कहा बोले क्या हारमोनियम बजाना आता है? लड़की ने कहा बोले हाँ जी वो भी आता है। लड़के ने कहा बोले नाचना आता है? लड़की ने कहा बोले हाँ जी वो भी आता है। तो लड़के ने कहा बोले ठीक है आप जा सकते हैं। तो जाते लड़के ने कहा बोले जी आपने मुझे इतने प्रश्न किए, बोले मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? लड़के ने कहा बोले पूछो पूछो। लड़की ने कहा बोले कि आपको तबला बजाना आता? लड़के ने कहा बोले हाँ मुझको तबला बजाना नहीं आता। तो लड़की ने कहा बोले घर का काम काज भी मैं करूँ, सिलाई बुनाई भी मैं करूँ, पढ़ाई लिखाई भी मैं करूँ, गाऊं भी मैं, नाचू भी मैं, तबला कौन बजाएगा? तेरा बाप बजाएगा। बोले तू क्या मुझे फेल कर रहा? मैं ही तुझे फेल करती हूँ। कहने का तात्पर्य यह पुराने समय की बात है। अब तो हमारे देश में कन्या कम हो गई है, घर ज्यादा हो गए, लड़के ज्यादा हुए हैं। तो लड़के वाले कहते कि हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की अच्छी होना चाहिए। तो समय समय की बात होती है। लेकिन राजा जनक जी जैसे ही वचन कहा
पितरमुआत निज निज कह जाऊ बलिखाना विधि वेदे निवा। बोले आशा त्याग त्याग कर सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि विधाता ने सीता का विवाह निकल ही नहीं है। तो सब तो नहीं गए, लेकिन रावण धीरे से निकला और सीता लंका पहुंचा। कहा बोले महाराज, मैंने आपका काम कर दिया, कोई राजा नहीं उसने उठा था। और राजा जनक जी ने कह दिया सब अपने अपने घर जाओ। रावण ने कहा बोले सब अपने घर चले गए थे? बोले नहीं महाराज, बोले मैं वह काम। रावण ने कहा बोले दुष्ट, तूने तो बना बनाया काम बिगाड़ दिया। रावण ने राहु को पकड़ा, जेल में डाला, तुरंत मानव सब के साथ जनकपुर आया। अब यहाँ राजा जनक जी ने जैसे क्रोधित होकर वचन कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी शब्द का प्रयोग किया, जनक जी ने क्या कहा, अब जाने को माखे वटमानी। माखे का अर्थ होता अभिमान, और गोस्वामी जी ने उसी शब्द का प्रयोग किया।